हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्मी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया से आप तैयारी कर रहे होंगे। लगे रहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है और बेहतर आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन मिल सकता है। सीट्स बहुत कम है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सीट्स कम है, आपको तो एक सीट्स चाहिए ना। आपके हिसाब से सीट कम हो या ज़्यादा हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप उस एक सीट के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो आप करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है मोडल्स। गाइस, दो वीडियोस में मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ। पहला पार्ट ये हमारी मोडल्स का है, तो इसमें जो भी कंफ्यूजन मोडल्स को लेकर होते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें ये पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है फ्रेंड्स और बढ़िया से इनको देखना पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको कैसी लगती है कंटेंट ये भी प्लीज़ बताइएगा। तो सबसे पहले मोडल्स की अगर हम बात करें तो मोडल्स बताती क्या हैं? अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड, ठीक है, एक तरीके से आपका मूड कैसा है ये बताने के लिए, या मोड, ठीक है, मोड बताने के लिए, या फिर एटीट्यूड कह दीजिए आप इसको, स्पीकर का एटीट्यूड क्या है ये बताने के लिए जो वर्ब्स यूज होती हैं उनको हम मोडल्स कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड होते हैं जो हमको पढ़नी है, है ना, जो कॉमन सी मोडल्स हैं और हमको पढ़नी है वो होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, एम, वॉज टू, हैव, हैड टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, शैल, विल, तो ये हमको पढ़नी है और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ जाएंगी, मुझे पता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, डिफरेंट यूजेस ऑफ मोडल्स। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ मोडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मे एंड माइट कहाँ पे यूज़ होता है। तो दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, है ना, कि पॉसिबिलिटी कितनी है किसी काम की, कि एक तरीके से संभावना। ओके, इट मे या माइट रेन, इट मे रेन, हम मे भी यूज़ कर सकते हैं रेन के लिए कि भाई बारिश हो सकती है, ऐसा अगर हम कहें तो इट मे रेन या फिर इट माइट रेन, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट आपको अंतर समझ लीजिए माइट या मे का। तो इट मे रेन है ना, ये बहुत ही थोड़ी सी, मतलब इट मे रेन, हम बिल्कुल फर्म है कि रेन हो जाएगी, है ना, हम बिल्कुल संभावित है, लेकिन माइट रेन जहाँ पर थोड़ी सी संभावना है, तो ये हम यहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत थोड़ी संभावना है। जैसे कि टीना सेड दैट शी माइट गो देयर, टीना ने कहा दैट सी माइट गो देयर, वह वहाँ जाएगी, वो ऐसा सोच रही है कि वो वहाँ पे जाएगी, ये तो फ्यूचर की बात है वो जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन पूरी संभावना है। आगे चलते हैं, परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे एंड माइट का। जैसे आप स्कूल्स में, ये तो बहुत आसान है, आप स्कूल्स में भी मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वाटर, मे आई गो टू वॉश, ठीक है, इस टाइप से हम पूछते हैं टीचर्स से, और यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, वो इस तरीके से कहेंगे। तो ये यहाँ पे परमिशन के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश और प्रेयर। विश या प्रेयर के लिए, अगर किसी के कोई विश कर रहे हैं, है ना, उसके लिए कोई प्रे कर रहे हैं गॉड से, तब भी हम मे या माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस, है ना, भगवान करे तुम वैवाहिक जीवन का बहुत आनंद लो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। ओके, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास, पर्पज के लिए। गाइज, पर्पज के लिए, कोई भी अगर हमारा एम है, कोई उद्देश्य है, कोई पर्पज है, कोई गोल है, तब भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी वर्क्स हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, सो दैट, ताकि वो पास हो जाए, है ना, तो ये उसका पर्पज है ताकि वो पास हो जाए, इसीलिए तो वो कठिन हार्डवर्क कर रही है। सी केम सो दैट सी माइट सी मी, वो आई ताकि वो मुझे देख सके, है ना, वो क्यों आई। Used to express possibility, may या might plus have, may या might के साथ अगर have लगा हुआ है तो इसको हम कैसे use करेंगे। Used to express possibility, ये possibility express करता है, desirability relating to the past action, past action से relate करके। अब आप समझिएगा example के through, he may might have left yesterday, है ना, हो सकता है वो कल निकल जाए, हम आज इस बात को कह रहे हैं, है ना,
कि हो सकता है वो कल निकल जाए. बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट. बेटर अच्छा होगा कि तुम इस सीक्रेट को सबके सामने रिवील्ड होता है सबके सामने लाना किसी चीज़ को अनफोल्ड कर देना तो तुम रिवील्ड ना करो सीक्रेट को किसी के सामने. कैन या कुड. नेक्स्ट हमारा मॉडल है कैन या कुड. तो एबिलिटी के रूप में हम यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं. सीधी सी बात है प्रेजेंट फ्यूचर में हम कैन का यूज़ करेंगे और पास्ट में हम कुड का यूज़ करेंगे. ठीक है तो जैसे कि सी कैन राइट इंग्लिश वेल. वो इंग्लिश अच्छे से लिख सकती है ये उसकी एबिलिटी है ना सक्षम है वो इस चीज़ में. मीति कुड प्ले एट कार्ड्स. मीति कार्ड्स खेल सकती थी. अगर हम ऐसा कहें कि कोई आदमी मतलब पास्ट में किसी काम करने में कोई व्यक्ति एबल था कोई पर्सन एबल था बट अब वो है या नहीं इस चीज़ के लिए नहीं कहा जा सकता है ना अब वो उस काम को करता है या नहीं लेकिन पास्ट में वो इस चीज़ के लिए एबल था तब हम कुड का यूज़ करेंगे. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं कुड का यूज़. बहुत अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने हम बहुत जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं ऐसे किसी पर्सन के सामने अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें लेकिन कैन का यूज़ हम जैसे हमारे कोई हमसे सिमिलर है हमारे फ्रेंड सर्कल हो गया हमारे ब्रो एंड सिस हो गए तो इस टाइप से कर सकते हैं. बट अगर कोई हमसे बड़ा है एल्डर है ओल्डर है हमसे एल्डर तो फैमिली वालों को कहते हैं ठीक है तो ओल्डर अगर कोई हमसे है तो वो कुड हम वहाँ पर यूज़ करेंगे. कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी. ओके कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी. कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी. मतलब कुड यू प्लीज़ क्या कृपया आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो या कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी. परमिशन या ऑर्डर के लिए अगर हमको परमिशन लेनी है तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं या फिर हमको ऑर्डर देना हो तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम किसी से कहें कि येस यू कैन गो नाउ. हाँ अब तुम जा सकते हो. यू कैन टेक माई बुक. हाँ तुम मेरी बुक ले सकते हो. तो ये परमिशन हो गई और येस यू कैन गो नाउ ये भी परमिशन हो गई है ना. प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना मना ही होती है. तो यू कैन नॉट एंटर द रूम. तुम एंटर नहीं कर सकते हो कमरे में तो साफ साफ मना कर दिया गया है किसी चीज़ के लिए. दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है ऑफ़र. तो ऑफ़र का भी यूज़ ऑफ़र के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. जैसे कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स. क्या मैं आपके लिए कुछ फ्रूट ले सकता हूँ है ना गेट यू. ठीक है तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं इस टाइप से. कुड के साथ हैव का यूज कब होता है. दिस फॉर्म इज़ यूज टू पास्ट एबिलिटी वाइल इंडिकेटिंग दैट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए हैं वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. देखिए मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ बहुत बड़ी है लेकिन सीख रही हूँ आपके साथ साथ आपको भी सिखा रही हूँ और ख़ुद भी सीख रही हूँ तो ये बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है हम सबके लिए ही. ठीक है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए गाइज. बिना लाइक किए वीडियो को नहीं जाना चाहिए. किसी ने बहुत एफर्ट किया है आपके लिए है ना और एक लाइक की तो बात है. चलिए गाइज तो दिस फॉर्म इज़ यूज टू पास्ट एबिलिटी. ये पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ होता है वाइल इंडिकेटिंग दैट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. मतलब एबिलिटी वो काम हो तो सकता था पास्ट में. जैसे हम कह दें कोई काम पास्ट में हो सकता था बट वो हुआ नहीं है. समझ रहे हैं आप मेरी बात. आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट. मतलब मैं इस सीक्रेट को रिवील कर सकता था सबके सामने खोल सकता था बट आप खुद इस चीज़ को समझिए लेकिन नहीं खोला है ना. सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है बट इसका मतलब ये है कि वो उस काम को कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया. यू कुड हैव बोरोड मनी. तुम जैसे हम किसी को कह दें कि भाई मेरी पढ़ाई रुक गई. हमसे कोई कह रहा है कि मेरी तो पढ़ाई रुक गई पैसे की वजह से तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई तुम पैसे बोरो कर सकते थे है ना उधार ले सकते थे किसी से लेकिन तुमने नहीं लिए है ना. तो जो एक्शन पास्ट में हो सकता था बट नहीं हुआ उसके लिए कुड हैव का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा शुड. शुड कब यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस. क्या क्या एक्सप्रेस करता है शुड. ड्यूटी या ओब्लिगेशन है ना. कर्तव्य होते हैं हमारे कुछ तो उन चीज़ों को अगर यहाँ पे हमें शो करना है सेंटेंसेस में तो हम शुड का यूज़ करते हैं. जैसे कि यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर. मतलब ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि अगर तुम्हारा भाई किसी चीज़ पे स्टैंड है तो तुमको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए था है ना. तुमको भी उसके सामने खड़ा होना चाहिए ये तुम्हारी ड्यूटी है ना. मान लिया कोई भाई को पीट रहा है तो भाई तुम तो साथ दोगे ना अपने भाई का उसके साथ खड़े हो जाओगे वहाँ पे. तो ये चीज़ है. प्रोमिसज शुड बी कीप्ड. प्रोमिसज हमेशा शुड बी कीप्ड. पूरा करना चाहिए प्रोमिसज को ऑलवेज.
तो ये चीज़ कही गई है। तो ये हमारी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं। फ्यूचर इन पास्ट, यदि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही हो, जैसे कि आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया दैट आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, तब भी हम कर सकते हैं इसको, है ना। फ्यूचर में हो रही है ये, पास्ट की बात, फ्यूचर इन पास्ट, है ना, सॉरी फ्यूचर की बात हो रही है पास्ट में। जैसे पास्ट में किसी ने ये बात कही थी कि अगर मैं कहूँ कि मम्मी ने तो कहा था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, है ना, बात तो ये कल परसों की है, लेकिन मैं आज बता रही हूँ आपको, फ्यूचर में बता रही हूँ, है ना, लेकिन वो जा चुकी है बात, वो पास्ट में जा चुकी है, है ना। जैसे कोई जिक्र चलता रहता है तो हम कह दें कि हाँ भाई घर वालों ने तो बोला था कि ये कर ले, लेकिन मैंने किया नहीं, इस टाइप से, है ना। तो डिड आई नॉट टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ये कब की बात है, आप ही सोचिए, अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया है, है ना, तो ये बात हम कब बोलेंगे, ये बात तभी तो बोलेंगे कि मैं पास हो गया हूँ, मान लिया मेरा रिजल्ट आया है, तो मैं क्या कहूँगा सबसे, तो मैं सबसे ये कहूँगी कि भाई मैंने बोला था ना कि मेरा क्लियर हो जाएगा, और देखो हो गया, है ना। तो ये पास्ट में फ्यूचर को दिखाता है। कंडीशन की बात करता है शुड, जैसे कि कोई भी शर्त अगर हमें रखनी है किसी के सामने, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, है ना, शुड यू वर्क हार्ड, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, यू विल गेट सक्सेस, तुम सक्सेस गेन कर लोगे, ओके। शुड प्लस हैव कब यूज होता है, यहाँ पे देखिए सब चीज़ें दो दो बार यूज हो गई हैं गाइस, समय नहीं मिलता है इसलिए मिसप्रिंट हो जाता है बहुत कुछ, है ना। तो आप इसको ना एक लेफ्ट को आप समझिए, यहाँ पे एक लेफ्ट है, सॉरी गाइस, है ना, एक ता है एंड एक यू है, ठीक है, तीन चीज़ें देखिए यहाँ पे डबल डबल हो गई हैं। तो पढ़िए आप, यू शुड हैव लेफ्ट द मैसेज, तुम्हें मैसेज छोड़ देना चाहिए था। ये भी वही बात है कि अगर भाई तुम्हें कोई, हम किसी से कहें कि भाई तुम्हें आना है, तुम आए नहीं, तो हम क्या कहेंगे, एक तरीके से फ्यूचर में ही बात हो रही है ये भी, अगर किसी पास्ट में कोई काम नहीं हुआ है और जो होना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं हुआ, तो फ्यूचर में उसको किस तरह से कहा जाएगा कि भाई तुम्हें अगर आना नहीं था तो तुम्हें मैसेज छोड़ देना चाहिए था, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, मस्ट का यूज़ कब होता है, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ये नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन, मतलब अनिवार्यता के लिए होता है गाइस, अनिवार्यता, अगर ज़रूरी है कोई चीज़, है ना, तो यू मस्ट फॉलो, किस किस चीज़ के लिए मस्ट यूज हो सकता है, नेसेसिटी या फिर ज़रूरत के लिए हो सकता है, अनिवार्यता के लिए हो सकता है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, है ना, मस्ट है बिल्कुल। अगर तुम किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में, अगर तुम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो क्या तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे, है ना, तो वो मस्ट होता है, ऑलवेज अनिवार्य होता है। दे मस्ट नॉट प्ले हियर, उनको यहाँ नहीं खेलना चाहिए, अगर टीचर है हमारे कोई भी, अगर टीचर हमसे कह दें कि क्लास में तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो सेम चीज़ हो गई ना। तो ऑर्डर के लिए भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ 10, 10 बज गए हैं, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर को क्लास में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मान लिया 10 बजे का कोई पीरियड स्टार्टिंग है और उस टाइम तक अगर टीचर नहीं पहुंच रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर 10 बजे से पीरियड स्टार्ट है तो उससे पहले टीचर को वहाँ पर होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट उस टाइम तक तो होना चाहिए। He has a big house, उसके पास बहुत बड़ा घर है, he must be rich, ये एक तरीके से डिडक्शन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया, जैसे हम किसी को देख करके अनुमान लगा लेते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं हम कि भाई हो सकता है ये तो बहुत बड़ा घर है इसका, तो इसका मतलब ये बहुत रिच है, है ना, तो ये इस तरीके से सपोज कर लेना किसी चीज़ को, किसी की हालत देख करके, अगर कोई हमने बहुत गरीब देख लिया कि अगर कपड़े नहीं है किसी के पास में तो हम क्या कहेंगे, यार इसके पास तो कपड़े नहीं है इसका मतलब बेचारा बहुत गरीब है, तो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे है ना। मस्ट प्लस हैव कब यूज़ होता है, मस्ट के साथ अगर हैव यूज़ हो रहा है कहीं पर तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन इन पास्ट, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में नहीं हो पाया है, है ना, तब मस्ट हैव यूज़ होना होता है, जो होना चाहिए था बट नहीं हो पाया है, तो यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, सेम है देखो यहाँ पे मस्ट में भी सेम चीज़ थी, जो मस्ट था मतलब यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, वो नेसेसिटी के लिए था, ये है कि अगर पास्ट में कोई काम नहीं हुआ है
जैसे यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए थी, तो तब क्या होता है, हैव के साथ मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म का यूज होता है ऑलवेज। आई मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की, है ना। तो ये था हमारा आज तक का सफ़र फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मैं दूसरी वीडियोस लेके आती हूँ, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।